आजादी के 72 साल बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति सुखद नहीं कही जा सकती है। यहाँ तक कि सरकारों ने सुरक्षा से लेकर अधिकार देने तक में महिलाओं को आगे लाने की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ पुरुष की महिलाओं के प्रति सोच को अभी तक बदलने में सफलता नहीं मिल पाई है। आधुनिकता बढ़ने के साथ साथ देश में महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या चौंकाने वाली रफ्तार से बढ़ी है। आज भी महिलाएं देश में यौन अपराधों, लैंगिक भेदभाव और घरेलू हिंसा के साथ साथ धार्मिक रीति रिवाजों और कुतिस्थित रूढ़ियों की शिकार हो रही है। देश और दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मना रही है। हिंसा उन्मूलन के तहत 2008 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड अभियान चल रहा है, बावजूद इसके स्थितियों में सुधार नहीं पा रहा। आंकड़ों को देखा जाए तो पूरी दुनिया में हर साल 1.5 करोड़ किशोर लड़कियां अपने जीवन में कभी ना कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने कई कानून बनाए हैं जिसमें महिलाओं के अधिकार बढ़े हैं और हिंसा रोकने में कानून को मजबूती मिली है। यहां तक कि फांसी की सजा तक का प्रावधान किया है, लेकिन समाज में आज भी महिलाओं के प्रति अनुकूल माहौल नहीं बनना चुनौती बनता जा रहा है। महिलाओं को आज जाति के बाहरी विधान में न जकड़ते हुए एक माँ, एक बहन, एक बेटी के रूप में देखे जाने की जरूरत है और नजरों से सच्चे मन से सम्मान देने की जरूरत है, तभी हमारा देश महिला प्रताड़ना और हिंसा से उभर पाने में सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
सज्जन की मैं स्वागत है आपका। मैं हूँ योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कई बार अछूता तो नहीं रहता लेकिन हम लाजमी समझते हैं। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस की। 25 नवंबर मुकर्रर किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि 2008 से 2030 तक यूएनओ इसे एक सीरीज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही नहीं पूरे वर्ष मना रहा है। लेकिन फर्क कितना पड़ पा रहा है, बड़ा सवाल यह है। और बात केवल एक भारत की नहीं है, क्या हम नहीं विकासशील राष्ट्रों की बात में विकसित राष्ट्रों में भी कुछ हालात मैं सबसे पहले सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने बहुत नजदीक से देखा है, और क्या ऐसी वजह है कि डोमेस्टिक वायलेंस का लो बन चुका है, हिंसा घटनाओं को रोकने के लिए सजा तक मुकर्रर कर दी गई है, बावजूद भी हालात अभी को सुधर नहीं रहे हैं? अगर देखिए काफी सारे कानून बन चुके हैं महिलाओं के लिए कि हिंसा रोकी जाए, डोमेस्टिक वायलेंस रोका जाए या उनके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा होती है उसे रोका जाए, उसे खत्म किया जाए। पर इतने सारे कानून बनने के बाद भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। परिस्थितियां अभी भी महिलाओं के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। कारण क्या है? कारण यह है कि ये सारे कानून लागू हो गए हैं लेकिन जो समाज में हमारा स्तर है, यानी कि महिलाओं का जो पुरुष का दोनों का जो स्तर है उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अभी भी स्थिति अनबैलेंस की है और यही कारण है कि ये कानून होते हुए भी हिंसा का जो रुख है, जो रूप है, वो अभी भी भयंकर है। महिलाएं इग्नोर कर रही हैं इन बातों को कि अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया, अगर किसी ने मुझे गाली गलौज कर दी या मुझे परेशान किया तो मैं उसे माफ करती चली जा रही हूं, मैं जाकर थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं दे रही, मैं जाकर उसके लिए किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हमारी बनी हुई है उनका उपयोग नहीं कर रही। उसके पीछे कारण मेरे जो है वो ये, मतलब मेरे मतलब महिलाओं के, वो ये मानती है महिला कि मैं सामाजिक रूप से बंधी हुई हूं। वो अपने आप को बंधन में समझ रखी है और वो इस तरीके से कि पारिवारिक बंधन है मेरे साथ, मेरे बच्चे हैं, अगर मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, और इस तरीके की कई कई बातें उनके मन में आती है जिसकी वजह से वो हिंसा को बिना बात ही अपने ऊपर लाद के चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कानून होने के बाद भी महिलाओं को जो स्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सच्चाई ये है कि हमारे पूरे समाज की ये लिए चुनौती भी है, साथ ही हम सबकी साझी जिम्मेदारी भी है कि हम महिलाओं को वो स्टेटस प्रदान करें, वो प्लेटफॉर्म प्रदान करें जहां महिला और पुरुष बराबरी का दर्जा जिसको कहना चाहिए वो मिले, उन्हें वो संवैधानिक अधिकार मिले, तभी जाकर, यानी कि हम जब घर में खुद से शुरुआत करेंगे, हम अपने आप से शुरुआत करेंगे तभी हमारे देश की महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल पाएगा, हम दिला पाएंगे और हमारे देश की आधी आबादी जब
एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएगी तो विकास दुगनी गति से होगा और तेजी से होगा। बिल्कुल सुनीता, आप सही फरमा रही हैं। हम जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेंगे, आज भी हमारे यहाँ पे चाहे लिटरेसी रेट बढ़े, महिलाएं आधी आबादी कही जा रही हो, मातृशक्ति के नाम से संबोधित किया जाता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है वो अभी बदल नहीं पा रही है। आज भी हम घर में एक बात सोच के चल रहे हैं कि खाना बनाना है तो केवल महिला या लड़की बनाएगी, चाय बनानी है तो महिला लड़की बनाएगी। बड़ी स्थिति है कि अगर महिला ही करेगी, जबकि ये खास था हुआ है कि महिला ही सारे काम कर सकती है। तो ये सोच जब तक नहीं बदली जाएगी कि बच्चों को ये नहीं सिखाया जाएगा कि घर में एक लड़का और एक लड़की है, अगर झाड़ू लड़की लगा रही तो पोछा तेरे को लगाना है, ये सोच बदलनी पड़ेगी कि मिलकर के चलते हैं, साथ काम करना होता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच बदलने की एक आवश्यकता है। कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, लेकिन अभी भी वो स्थितियां बदल नहीं पा रही है। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि एक रूढ़ीवादी समाज में सब चीजें चल रही, पढ़े लिखे समाज में भी ये देखी जाती है। आज अगर आंकड़ों पे गौर फरमाए तो बड़े वाले आंकड़े हो रहे हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग कोई ना कोई तो ऐसा है कि सभी समाज जिसकी हम बात करते हैं और बात कही, लेकिन मैं यहाँ एक सपोर्ट करना चाहूंगा इस बात को कि महिला कमजोर नहीं है। महिला ये मान के चलते है कि चलिए छोड़े क्या मुंह लगना है, या घर की अगर कोई बात होती है तो उसे पी जाती है वो, लेकिन उसे कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। लेकिन एक अवेयरनेस की जरूरत है कि अगर कोई सहन शक्ति की एक लिमिट होनी चाहिए, सहन जहां करना चाहिए वहां करिए, लेकिन हर चीज को आप अगर ऐसे टॉलरेट करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो पिक्चर बदल नहीं सकती। आपको एक लिमिट के बाद में जवाब देना चाहिए। तो मैं चारू जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। आप तो देखती हैं कि आज भी महिलाएं हिम्मत है लेकिन वहां तक नहीं चाहती हैं, जैसे सुनीता जी ने भी कही बहुत सारे केस तो दबे रह जाते हैं, सच्चाई है ये, अभी जैसे सुनीता जी ने बात कही कि सामाजिक जो दायरा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को बांधे रखता है, और जो इसको हम मुक्त हो सकते हैं इससे वो भी सामाजिक क्रांति के द्वारा ही मुक्त हो सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं कुछ कहीं किसी कदम पर रुक जाती हैं, अपने परिवार को देखते हुए, अपनी बदनामी को देखते हुए, पीहर देखते हुए, इन सब चीजों को, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस महिलाओं के अंदर आई है। जैसे जैसे कानून बने हैं और कानून का प्रचार भी होने लगा है, जब से निर्भया कांड हुआ है उसके बाद से जो सखी सेंटर्स केंद्र सरकार द्वारा खोले गए और राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो पूरे हमने देखा कि पूरे हमारे राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहां पर इस तरह के एक वन स्टॉप सेंटर बनाए गए, जहां पर महिलाएं आकर के अपनी समस्याएं वहां की काउंसलर्स को बोलती हैं और वहां पर उनके परिवार वालों को बुलाकर उनको परामर्श किया जाता है, उनको समझाया जाता है, समझाइश की जाती है, ताकि केस आगे ना बढ़े और जहां कहीं मन मुटाव है या जो बात घर में बैठ के नहीं हो पा रही है वो वहां एक दूसरे को समझाइश करके उसको ठीक किया जा सके। तो ऐसे कई केसेस देखे जाते हैं जो कि वहां पर सुलझाए जाते हैं और सुलझ जाते हैं, बाद में महिलाएं कहती भी है कि हम संतुष्ट हैं। तो इस तरह की काफी सारी चीजें, 181 वुमेन हेल्पलाइन है वो ऐसी चल रही है जहां पर महिलाएं अपनी कोई भी समस्या होती है उसको बताती है और वहां पे उनके परिवार वालों को समझाया जाता है, या तत्काल पुलिस की आवश्यकता होती है तो थाने से पुलिस की भेज करके संबंधित कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसी कई चीजें चली हैं और पुलिस का इसमें काफी सहयोग रहता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि परिवार को, हमारे समाज को, अपनी मानसिकता को, जैसे आप लोगों ने पहले कहा, वो बदलनी होगी तभी हम इस चीज से मुक्त हो पाएंगे। सिस्टम पे, मोबाइल पे या टीवी में ये डिबेट चालू है, बट आप उसको म्यूट कर दें, बंद कर दो, बंद कर दो उसको। हेलो,
राजनीतिक दलों की बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, और समाज का, समाज में से ही राजनीतिक दल निकले हुए हैं, पहले आप समाज के नागरिक हैं, आप बड़े कोऑर्डिनेटर की भूमिका अदा कर सकते हैं। पार्टी की कोई बात होती है, कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, वो तो आप लोग सब करते हैं, लेकिन जब लगता है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को कुछ करना चाहिए, तो वहाँ पार्टी की एक गाइडलाइन का मैं पार्लियामेंट का जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पे पार्लियामेंट में कई मरतबा ऐसे हालात होते हैं कि जब देख रहे हैं, जैसे होता ना कि जिंदी मक्खी को निगलना, उस तरह की स्थितियां होती हैं। महिला सांसद मूक दर्शक मोम की गुड़िया की तरह बैठ करके उन कानूनों के बारे में उस बहस को सुनती रहती हैं, वो चाहे जायज है चाहे नहीं है। महिलाओं के मुद्दे में तो मुझे लगता है कि सब चीजें आगे बढ़ करके करना चाहिए। चाहे निर्भया केस रहा, उसमें 12 सेशन जब चालू हुआ उसके भी काफी देर तक जया बच्चन जैसे एंटर करी, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि हम सब लोगों को पार्टी लाइन से अलग हट करके निकलना चाहिए। आज कोई कह सकता है पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी की महिला की निर्भया फंड का क्या हुआ? 40% भी 25 राज्यों में खर्च नहीं हो पाया, कोई जिक्र करता है उस पे? तो हम ये एक सोच बदलने के लिए, हम कहा तो ये जाता है कि टिकट महिलाएं, कांग्रेस ने इतनों के टिकट दिया, बीजेपी ने इतनों को दिया, बीएसपी ने इतनी महिलाओं को, समाजवादी पार्टी ने इतनी महिलाओं को, बड़े उसके साथ में बताया जाता है, लेकिन महिलाएं जाकर के महिलाओं के लिए कितनी आवाज बन पाती है, बड़ी बात यह है। मैं ये नहीं कहता कि वो संविधान की शपथ लेती हैं, लेकिन आज आवश्यकता है कि महिलाओं के लिए बात कर सकें। आज समाज की सोच बड़ी एक अलग सोच बन चुकी है, महिलाओं को वो जो दर्जा मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है, और राजनीतिक दल उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि एक तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को इस मानसिकता से अभी तक जूझना पड़ रहा है कि हम देख रहे हैं कि दिनों दिन महिलाओं पे अत्याचार, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा के लेके लड़कियों को जलाना और इस तरह के जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हमारा समाज भी, हमारा प्रशासन भी, हमारी सरकार भी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि इतना सब कुछ हम लोगों को करते हुए भी आज महिलाओं पर हिंसा बढ़ती जा रही है, और आज महिला हिंसा वाले दिन भी हम इसी को लेकर बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि महिला हिंसा कम हो रही है, यही कह रहे हैं कि महिला हिंसा बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए सोचने के लिए तो हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो सामाजिक दल हो, और चाहे वो प्रशासन वाले हो, और चाहे हमारे घर में जो हमारे माता पिता हो या हमारे रिश्तेदार हो, तो इन सबको मिला के एक ऐसी पहल करनी होगी, इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना होगा जिसे सब मिलकर इन चीजों को कम कर सके। ज्यादातर क्या होता है सर कि अगर महिलाएं जाती हुई है तो प्रशासन उसको इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करता है कि वो अपनी बात को खुल के नहीं बता पाती है, और वो खुल के नहीं बताती तो शर्म के मारे पीछे आ जाती है। राजनीतिक दलों के लिए भी मैं पर्सनल किसी के लिए कहना चाहूंगी कि यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं एक महिला के नाते बैठी हूँ, मैं यहाँ किसी प्रशासन या किसी पार्टी के नाते नहीं बैठी हूँ, किसी मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पर मैं बैठी हूँ तो मैं ये सोचती हूँ एक महिला के लिए, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो तो उसके लिए भी अगर महिला के पक्ष में राजनीतिक दबाव बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि राजनीतिक दल इन बातों को दबा भी देते हैं। तो चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे प्रशासनिक हो, और चाहे सामाजिक हो, सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। देखिए आजादी के लिए कुर्बानियां बहुत देनी पड़ी थी, आज भी मुझे लगता है कि हम पढ़ लिख करके आगे महिलाएं जा रही हैं और फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं, स्पेस में भी जा रही हैं, सब जगह जा रही हैं, बराबरी के उसमें हैं, महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। और लेकिन मैंने कहा ना कि कुर्बानी किसी भी चीज के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें एक एम को अचीव करने के लिए त्याग करना होता है। अगर हम लक्ष्य लेके चलते हैं तो समय का जाया करना पड़ता है, अपनी जो भी ये सोच के चलते हैं कि उनको दरकिनार करते हैं, तो कुछ तो हमें चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ अगर पार्टी लाइन में जो कोई भी महिला अगर बन जाती है एमएलए बनने के बाद में या एमपी बनने के बाद में या पदाधिकारी बनने के बाद में, और केवल ये दिखाई दे कि नहीं संगठन पहले है, तो मुझे लगता है कि ये सोच भी एक बदलने की आवश्यकता। मैं नहीं कहता कि क्रांतिकारी बनी और संगठन में नहीं, मैंने आपको पहले ये बात बोली कि आज अगर मैं बैठी हूँ तो किसी पार्टी के नाते नहीं बैठी हूँ, एक महिला होने के नाते बैठी हूँ, और जब अगर महिलाओं पे कोई भी बात आ गई तो यहाँ पार्टी की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, सभी के साथ होना चाहिए, मेरे साथ ही नहीं, जो भी महिला चाहे वो किसी भी पार्टी को, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या किसी और दल की हो, उन सबको एक महिला बनकर इसको सोचना चाहिए। जी चलिए, मधु कुमार जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त जुड़ी हुई है। मधु जी आप सुन पा रही है मुझे? मधु जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए टेक्निकल
प्रॉब्लम हो सकती है, मधु जी जैसे जुड़ेंगे हम उन तक जाएंगे। वापस एक बार सुनीता जी के पास जाना चाहूंगा। सुनीता जी, एक चीज निकल करके आ रही है अभी भी, मुझे लगता है कि न्याय लेने से पहले एक हिम्मत दिलाने की जरूरत है, और आपने खुद ने भी स्वीकार किया, चारू जी सेंटर भी चलाती हैं, देखते भी हैं महिलाओं की प्रॉब्लम्स को। अभी भी बात यही निकल के आती है कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूंगा कि महिला कमजोर है, बिल्कुल कमजोर नहीं है, महिला बहुत ताकतवर है, महिला की सहन शक्ति पुरुष से कई गुना ज्यादा है, लेकिन एक सहन शक्ति की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगी जहां उसे कानून से उम्मीद होनी चाहिए, अगर वहां तक नहीं जाएंगी तो फिर ये कैसे जस्टिस हो पाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हमें चाहते हैं कि हर महिला को न्याय मिले, हर महिला जो है हिंसा मुक्त रहे और अपनी शर्तों पे जीवन यापन करे, तो ये तभी संभव है कि वो जब भी कभी कोई इसके साथ हिंसा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, हिम्मत रखे और हिम्मत से काम ले, ताकि आने वाले जो हमारा जो देश का भविष्य है, हमारी जो बेटियां हैं, वो भी जब अपने आसपास के एरिया को जो देख रही हैं, संस्कार जो देख रही हैं, उसको देखते हुए, उस संस्कृति को देखते हुए बचपन से ही हिम्मत जो है वाली बन जाएं और समाज को और हमारे देश को एक नई दिशा देने में कामयाब हो। तो हर महिला को आज ही से अपने को हिम्मत जुटानी चाहिए और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत भी रहते हैं। हम जन जागरूक अभियान भी छेड़ रखा है हमने, इसलिए हम लोग सभी महिलाओं को ये बोल रहे हैं कि आपके लिए एक विशेष हेल्पलाइन पूरे राजस्थान में संचालित है, वो है 1090 1090। ये आपको हिम्मत दिलाने के लिए ही ये हेल्पलाइन। इसका ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके साथ कोई भी परेशानी हो रही है, कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको अश्लील मैसेज कर रहा है या मिस कॉल देके परेशान कर रहा है, आपको भद्दा मजाक करके परेशान कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहा है, आपका दुपट्टा खींच रहा है या आपके साथ में मारपीट कर रहा है, घूर रहा है, यानी कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे कि आपकी रातों की नींद हराम हो रही है, तो आप हमें 1090 पे कॉल करें। और 1090 पे कॉल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जो महिलाओं के साथ में बड़ी परेशानी है कि अगर मैं किसी के खिलाफ कंप्लेंट करूंगी तो उससे मेरी रंजिश हो जाएगी और फिर वो मुझे परेशान करेगा या मुझे कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, तो पुलिस ने इसी के खातिर ये जो परेशानियां आए इनको देख के ही 1090 को चालू किया है। आपको बस कॉल करने की जरूरत है और इस टोल फ्री नंबर से कॉल आते ही हम आपकी पहचान को तो गोपनीय रखेंगे ही, आरटीआई में भी आपका नाम नहीं बताएंगे, साथ ही जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने कहा है हमें कंप्लेंट करी है, हम तहकीकात करके उसे सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, उसको पाबंद करने की कार्रवाई करेंगे। तो ये हम करते हैं और इस साल हमने लगभग 2500 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमें मिली है जिनका की हमने सोल्यूशन किया है। पर परेशानी यह है कि महिलाओं में जन जागरूकता का अभाव है, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसी कोई हेल्पलाइन भी चल रही है, तो वो लोग थाने में जाना नहीं चाहती। अब तो पुलिस खुद आपके दरवाजे पर आ रही है, बस आप या तो आप हमें 1090 पे कॉल करें या हमारी एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन है जो खास महिलाओं के लिए ही है, 8764868200। इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे केवल आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसे लिखिए और हमें फोटो खींच के भेज दीजिए, या आपके आसपास कोई क्राइम हो रहा है उसका वीडियो बनाइए या उसका फोटो खींचिए और हमें भेज दीजिए। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं हमने सिर्फ आप ही के लिए कर रखी है। जागरूकता का एक भाव है और मुझे लगता है जागरूकता अभियान भी चलना चाहिए। बिल्कुल, वो दिवस भी आना चाहिए। आज हम महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस दिवस भी होना चाहिए महिलाओं का, कि हाँ बिल्कुल हम बेझिझक निर्भीक होकर के हमारी बात कह पा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ मधु जी जुड़ गई हैं। मधु जी, आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार। नमस्ते, आपका स्वागत है। मधु जी, यहाँ जानना चाहेंगे हम, महिलाओं के प्रति हिंसा रोकी जाए, कानून बने, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बन चुका है और बहुत सारे कानून है उसमें डेफिनेशन भी काफी बदल दी गई है। जैसे अभी सुनीता जी बता रही हैं कि अगर कोई घूरता भी है तो भी वो भी हिंसा के उसमें पैरामीटर में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं
महिलाओं की लिटरेसी भी काफी बढ़ रही है। ये भी नहीं कह सकते कि आजाद हुआ था भारत उससे ज्यादा हम आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं देखी जा सकती हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो ऐसा क्या है कि आज हम हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून व्यवस्था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं आदरणीय हमारी जो मैडम है, मैं उससे ये पूछना चाहूंगी कि ये 11,000 से भी ऊपर जो अभी ये केसेस हुए हैं और ये जो घर में रहने से लॉकडाउन की वजह से 8 से 9% की जो वृद्धि हुई है, ये किन कारण से हुई है? घरेलू हिंसा क्यों बढ़े हैं? या तो वो पुरुष घर में रह गए इस वजह से बढ़े हैं, ये पहले से ही चलता रहा था? जैसे एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहां पे आज भी इतना बैकवर्ड है। मैं घर घर में जाती हूँ, जनसंपर्क मेरा रहता है लोगों से, अभी हमारे चुनाव भी चल रहे हैं, वहां पे मैं जाती हूँ तो ये सब मेरे को देखने को बहुत मिलता है। मधु जी आपका जो लैपटॉप या मोबाइल जो भी है उसको थोड़ा सा आप ऊपर करिए, क्योंकि आपका जो फोरहेड है वो कट रहा है, पूरा फ्रेम नहीं आ पा रहा आपका। अब आ रहा है सर? नहीं, अब ज्यादा कट गया, तो थोड़ा सा आप फ्रेम पे आप इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। हाँ, अब ठीक है। ओके सर जी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ हमारी गहलोत सरकार से कि ये 2 साल से ये कर क्या रहे हैं, जब गृह मंत्रालय इनके पास है 8 महीने। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। वैसे आप बिल्कुल, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर हैं, आप आ सकते हैं। स्नेहलता जी को भी हमने इसी नाते बुलाया था कि कांग्रेस की वर्कर हैं, लेकिन ये हम ये चाहते हैं कि हम उस सॉल्यूशन पर। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई पार्टी का मामला नहीं, पार्टी से अगर अलग हटके, पार्टी के पार्टी से अलग हटके आप महिला होने के नाते बोले, और पूरे देश की बात हो रही है ना कि किसी राज्य की बात हो रही है। देश की बात ही कर रहे हैं। अगर हम देश की बात करें तो हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने जो अभी एक, देखिए योगी जी और मोदी जी कुछ नहीं है, पूरे देश में हिंसा बढ़ रही है, पूरे देश में अत्याचार बढ़ रहे हैं, पूरे देश में उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, पूरे देश में ये बात चल रही है। तो सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, हम ऑल ओवर एक महिला होने के नाते महिला की बात करें। नेता जी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पे अभी राजस्थान में, अगर आज हम योगी जी की बात करते हैं, यूपी के हमने बहुत सारे अभी अखबारों में और बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए देखा है, तो हम योगी जी और मोदी जी की या गहलोत जी की बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ही है कि हम लोग महिला बनकर नहीं सोचते, हम लोग पार्टी बनकर सोचते हैं। महिला बनकर ही आपसे बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे महिला बनकर ही आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, आपने आते ही पार्टी की बात करी है, मैंने तो एक बार भी पार्टी को नहीं रखा, मैं एक महिला बनकर और एक सोशल वर्कर बनकर ही इस बात को कर रही हूँ। आज सुनीता जी बैठे, चाहे मैंने सबसे पहले एक ही बात रखी कि सरकार, प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी को मिलकर पर काम करना होगा। नेता जी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस पर। हम एक पार्टी लाइन से अलग हटके भी जानना चाह रहे हैं, हमारे साथ मधु कुमाव जी जुड़ी हुई है। मधु जी मैं एक बार फिर आना चाहूंगा, ब्रेक से पहले आपके पास में था। हम पार्टी लाइन से भी अलग हट करके, क्योंकि मैं ये इस वजह से जिक्र करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है। ना राजनीतिक दलों की वो सोच बदल पा रही है, ना समाज की सोच बदल पा रही है, ना परिवार की सोच बदल पा रही है। आज भी हम पुरुष मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पुरुष कुछ करे तो वेल डन, हम स्माइल भी दे देंगे अगर गलत भी कुछ किया तो, और महिला कुछ करी तो उसे कैरेक्टर से लेकर के हम कुछ भी सवाल उठा देते हैं। मैं कहना नहीं चाहिए, मैं कई बार कई लोगों के देखता हूं कि अगर लड़के के किसी से संबंध है, किसी लड़की से उसकी दोस्त है, तो घर वाले क्या बात है ब्रो यूं बोलेंगे, और अगर लड़की के बारे में बात आती है कि ये इसका दोस्त है तो बड़े नाक चढ़ा करके देखते हैं, ओ बॉयफ्रेंड भी है इसके। तो ये एक सोच जो है, ये मुझे लगता है कि पुरुष को सारी छूट दी जा रही है, परिवार से, समाज से। आज भी अब अगर हम कहें कि नहीं हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है, आप देखिए कितनी महिलाएं हैं, हम कहने को तो ये कहते हैं आधी आबादी है, टिकट कितने लोगों को दिया जाता है, और जो जाती हैं तो क्या वास्तव में वो जस्टिस कर पा रही है महिला की आवाज के साथ में? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे भी लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं भी एक पॉलिटिकली फील्ड के अंदर काम करती हूँ, तो एलिगेशन तो हर महिलाओं पे लगते ही हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो
अपने एजुकेशन से हो, कोई से भी रिलेटेड अगर काम हो, अगर महिला रात को निकलती तो उससे एलिगेशन लगने स्वाभाविक होते हैं। तो ये मेंटलिटी अपन लोगों को जो समाज है उसको अपन को बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि ये पुरुष ही बातें बनाते हैं, कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है जहाँ पे महिलाएं भी इसमें पूरी भागीदारी निभाती है, महिला ही ज्यादा भागीदारी होती है चर्चाओं में। वो ही कौन मार मार के कहती है कि नहीं कि किसके साथ जा रही है ये, वो चाहे उसका बैचमेट हो चाहे को साथी हो। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, देखता हूँ मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ, मुझे कहने में कहीं को अतिशोक्ति नहीं। ये सोच कब बदलेगी? मुझे लगता है कि ये हिंसा का एक बड़ा कारण है, ये हम उस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपनी समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उनको बदलना पड़ेगा। बहुत कुछ तो बदला है, मुझे ऐसा लगता है ये एजुकेशन से बदल रहा है, पर कुछ जो परिवार हैं, जैसे हमारी दादी हैं, हमारी नानी हैं, हमारे परिवार के जो पहले हैं, आज भी छोटे कपड़ों पे या उनके व्यवहार में अगर वो बॉयज के साथ उठती हैं बैठती हैं तो भी वो बहुत संकोच करती है कि ऐसा क्यों है। तो समाज में हमें लगता है हमें बदलाव लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चारू जी वापस आना चाहूंगा एक बार मैं आपके पास में। हम सबसे एक अहम बात जो मुझे लगती है कि ब्रेक से अब तक मैं जो देख पा रहा हूँ, पहले जब स्टार्टिंग की, अभी भी कहीं ना कहीं हमारे जो अंदर एक झिझक है महिलाओं में, झिझक मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तो ये देखते हैं कि छोड़िए कौन मुंह लगेगा, कल को कोई कोर्ट कचहरी होगी, मुझे यहाँ रहना नहीं है तो जाने दो। सामने वाला उसको कमजोरी समझ के चलता है, किसी लड़की को वो रास्ते में परेशान करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी लड़का कोई भी हो सकता है, वो ये देख के चलता है कि लड़की किसी भी तरह से अगर कोई रिप्लाई नहीं करती है, फिर अगले दिन वो ही रहता है, अगर उसकी कंप्लेन नहीं करती है तो वो देखता है कि कमजोर है कुछ नहीं करेगी। लेकिन ये गलत फहमी होती है, कमजोर नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि महिला कहीं कमजोर नहीं होती है, महिला की हिम्मत बहुत होती है, देखी भी है मैंने। तो यहाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था, ऐसी जागरूकता मुझे जो महसूस होता है कि वो होनी चाहिए, जैसे सुनीता जी ने भी बताया, नंबर भी शेयर किए, लेकिन नंबर भी होंगे, पुलिस भी खड़ी है, सब खड़ी है, लेकिन वहां तक पहुंचना तो होगा। कब तक इन सब चीजों को सहन किया जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, मैं जैसा आप भी जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, मैं भी फिर यहाँ बताना चाहूंगी कि मैं महिला संबंधी जो काफी काम है, जो कि चाहे वो उत्पीड़न से रिलेटेड हो, उनके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, मैं उनके काफी नजदीक हूँ और इन सब चीजों को बहुत बारीकी से मैं देख भी रही हूँ काफी 2-3 साल से लगातार। और मैंने जो ये भापा है कि इस समय जो अभी जैसे अशोक गहलोत जी भी ये वाली बात करते हैं कि महिलाएं जो हैं पहले से ज्यादा आकर अपनी शिकायत करती हैं, जो हम ये बात कहते हैं ना कि शिकायत नहीं हो रही है या केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से सुनीता जी भी मेरी बात से सहमत होंगी, रात के 12 बजे भी इनकी हेल्पलाइन पे फोन जाता है कि मुझे ये परेशानी हो रही है, और मैं को मतलब मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि विद इन 10 मिनट्स पुलिस सहायता उन व्यक्तियों को, उन विक्टिम्स महिलाओं को पहुंचाई जाती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकार अभी प्रशासन इस संबंध में महिलाओं के प्रति, चाहे वो बीजेपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, वो बहुत संवेदनशील पूर्ण रहा है और वो इस मुद्दे पर पुलिस के द्वारा कहीं कोई कमी नहीं है और वो अपना पूर्ण मनोयोग से काम करते हैं। लेकिन जहां कमी मुझे नजर आती है, कमी जागरूकता की रही बात, तो जागरूकता में महिलाएं जो नई लड़कियां हैं, नई पीढ़ी है, वो हमारी हर तरीके से अवेयर है, उसे तो जरूरत से ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा, इवन 10 साल की बच्ची भी आज आपको अगर कोई उसकी तरह उसके लिए कोई अगर कोई गलत बात या गलत संकेत उसको देता है तो वो घर में आके बताने में नहीं शर्माती। थोड़ा सा पारिवारिक माहौल में हमको अपने संस्कारों में सिस्टम के अंदर चेंज करना पड़ेगा, लड़कों को थोड़ा समझाना पड़ेगा और घर का वातावरण इस अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा कि ये सब समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। लेकिन दूसरी ओर ये सब हमको सोचना होगा कि समस्याएं उत्पन्न हो क्यों रही है, जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल पकड़ा दिए हैं और जो इस तरह की जो इसके अंदर वीडियोस जो आते हैं जिन पे कोई रोक नहीं है, कोई लगाम नहीं है। तो अभी आपने 2 दिन पहले भी अखबार में पढ़ा होगा कि एक दोस्त के लड़के ने 60 साल की बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म की कार्रवाई की, तो इसमें अब जब किसी का नियंत्रण ही नहीं है तो उसमें पुलिस प्रशासन समाज ये सब कहाँ रह जाएगा? ये सब एक क्वेश्चन मार्क है इसके लिए। आज भी आप लोगों को मालूम होगा एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि 75% छेड़छाड़ की घटना है, रेप केसेज होते हैं किसी न किसी माध्यम से, जानकार होते हैं 25% है जो कम है। और ये भी दुनिया में 1.5 करोड़ बच्चियां महिलाएं जिनकी उम्र 15 साल या 13 साल से 19 साल है, 1.5 करोड़ दुनिया में प्रति वर्ष किसी न किसी तरह की यौन हिंसा के शिकार होती है, वो किसी भी तरह की छेड़छाड़ की। ये हमारे डेवलप जो कंट्री है
उनकी पोजीशन और भी बदतर है। तो और ये है कि बिल्कुल हमारे यहाँ पे रूढ़िवादिता है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे भी हालात ऐसे ही हो रहे हैं कि वहाँ साथ में काम कर रहे हैं, मॉल्स हैं, खुलापन है, सब कुछ है, तो सोच तो यही होनी चाहिए कि उनका ब्रॉड माइंड भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की जो महिलाओं के प्रति हिंसक घटना है वो बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा हम केवल चर्चा एक दिन के लिए नहीं, अगर मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि महिला हिंसा उन्मूलन दिवस भी है, तो हो सकता है कोई एनजीओ रैली निकाल देता कि महिलाओं की हिंसा बर्दाश्त नहीं, रोकी जानी चाहिए। नहीं, सुनीता जी उसको हरी झंडे भी दिखा सकती है, लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 365 दिन क्यों नहीं, अवेयरनेस का तो वो होना चाहिए। आज हम एक क्रांति के रूप, जब यूएनओ 2008 से 2030 तक इसको एक अभियान के रूप में ले रहा है, कितने लोगों को मालूम होगा कि ऐसा कोई अभियान भी चल रहा है, उसका कोई मोटिव होना चाहिए और उस मंजिल तक पहुंचे। अभी 19 नवंबर को शायद अभी स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान के स्वच्छ दिवस मनाया गया था 19 नवंबर को ये, लेकिन केवल स्वच्छता गंदगी साफ करने से नहीं, मानसिक गंदगी की भी मुझे लगता है कि इसको इसके साथ ही छोड़ना चाहिए, इसको भी जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं स्नेहलता जी वापस आपके पास आना चाहूंगा, हम रैलियां, स्लोगन्स, कंप्लेंट्स हो सकता है ये अच्छा कमिश्नर की हेल्प नहीं है, व्हाट्सएप अगर इसमें मैं करूंगी तो एक अवेयरनेस आ सकती है, इसमें हम महसूस कर, लेकिन क्रिएटिव वर्क होना चाहिए। अगर किसी हमारे जो प्रशासन किस तरह है, कोई ऐसा इंफ्रा डेवलप करने की आवश्यकता है कि हाँ बिल्कुल ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि इस पे लगाम लगाई जा सके। अगर यौन शोषण में किसी के साथ अगर फांसी की सजा तक का अगर प्रावधान किया हुआ है तो उसके बाद में क्या बाकी रहता है, उसके बावजूद भी हिंसक घटनाएं तो नहीं रुक रही। 2019 के आंकड़े गौर करिए, 87 रेप केसेस रजिस्टर्ड पर डे हुए। सर सबसे बड़ी बात, मैं आपको बीच में एक बात ये और कहना चाहूंगी, जैसे चारू मैम ने बोला, मैं इसकी बात से बहुत सहमत हूँ कि सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोज आज हम उनको देखते हैं तो हम खुद शर्म के मारे लज्जित हो जाते हैं। बहुत सारे वीडियोज ऐसे चलते हैं जो हर रिश्ते को तार तार करता है, हर रिश्ते के बारे में बताता है, यानी कि अगर मेरे घर में एक प्लम्बर भी आता है तो मैं डर जाती हूँ कि क्या पता ये किस तरह का होगा। इस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस चलते हैं, उनको हम खुले रूप से देख रहे हैं, तो वो एक जो क्राइम का ना बहुत बड़ा कारण है, उसको रोका जाना चाहिए प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उसको रोकना जरूर चाहिए। फिर साथ ही मैं कहूंगी कि बैनर लगाने से या रैली निकालने से या हम कह दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। जागरूकता हमें घर घर पहुंचानी पड़ेगी, घर घर अभियान चलाने पड़ेंगे, कुछ एनजीओ जो है उनको साथ ले, सरकार प्रशासन उनके साथ मिलकर ये काम करवाए, तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो मैं प्रशासन से, हमारे सुनीता मैम बैठे हुए हैं जो आज हम देख रहे हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, रियली मैं सैल्यूट करती हूँ इन लोगों को कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत कुछ बदलाव भी आया है, महिलाएं भी अपने बारे में, क्योंकि एक महिला महिला के लिए अगर खड़ी है तो सच मुझे बहुत प्राउड की बात है और बहुत ही सुखद एहसास देता है हमें। तो इस तरह के हम लोगों के सिर्फ एक ही जयपुर में ही नहीं, हर जगह पूरे देश में इस तरह की संस्थाएं जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, वो प्रशासन के साथ मिलकर काम करें, लोगों को जागरूक बनाए और बैनर और रैली के जरिए नहीं, घर घर जाकर उनको जागरूक बनाए। और ये सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल्स होते हैं, इन वीडियो के बारे में पाबंद करने की पूरी कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आदमी इतना ज्यादा, क्योंकि अपना कंट्रोल नहीं खोएगा, जिस तरह से हम देखते हैं, और मुझे तो शर्म आ रही है सब कहने में, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं तो हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठकर उसको नहीं देख पाते हैं, तो सोचिए कि बच्चे देखते होंगे तो उनकी मानसिकता पे कितना असर पड़ता होगा। स्नेहलता जी एक बात और कहना चाहूंगा मैं, हम जिस तरह के मटेरियल का जिक्र कर रहे हैं, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप देखे ऐसी ऐसी मूवीज और उनकी वेब सीरीज बन रही है, बिल्कुल सर, आप चाकर के रिमोट से उसको बंद भी नहीं कर सकते, मतलब हिम्मत नहीं जुटा सकते, बच्चे कौन सीन कब आएगा, क्या गाली दे दें, ओपन गालियां चलती हैं आजकल की, कई मूवीज ऐसी हैं जिसको लेकर के मैं, मधु जी आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। मधु जी यहाँ एक बात मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुझे अच्छे से याद है कि एक मूवी आ रही है, आ गई उसके पार्ट वन, दोनों वेब सीरीज है वो ओटीटी पे, हाँ वो भी है और भी मूवीज है। एनडीए की पूर्व राज्य मंत्री
मिसेस पटेल जो है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने बाकायदा लिखा सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि ऐसे ऐसी अगर मूवी जाएंगी, वो वहां जिस नाम की मूवी है वो वहां से सांसद भी आती हैं चुन करके, और ऐसी मूवी बन रही है, उसका मैंने छोटा सा ट्रेलर देखा, वो बच्चों के साथ ट्रेलर नहीं देख सकते आप, तो ऐसे कम तो ये भी चीजों पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये निश्चित रूप से एक हिंसक घटनाएं पैदा करती हैं, और कुछ तो हमें देना होगा समाज को भी, एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों को भी समझनी चाहिए। मतलब हमें पेरेंट्स को पता नहीं रहता कौन सी वेब सीरीज कौन से पे आती है, पर ये बच्चे बहुत जल्दी बता देते हैं। एक सेवेंथ क्लास का बच्चा, एक एट क्लास का बच्चा बता देता है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चे के थोड़े से परसेंटेज आते ही उनको एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया जाता है, उनको बाइक गिफ्ट कर दी जाती है। टेंथ क्लास में आप इतने परसेंटेज लाओ तो आपको ये दे दिया जाएगा। तो हम खुद हमारे बच्चों को उकसा रहे हैं इन सब चीजों के लिए कि आप ये करो, हम लालच पैदा कर रहे हैं, आप ये करो तो हम आपको ये देंगे, अगर आपने ये लिया है तो हम आपको ये देंगे। एक हमें जरूरत है पेरेंट्स को भी जागरूक करने की कि ये सब बंद करें। एक क्राइम अगर कभी भी होता है तो वो बिना शराब पिए नहीं होता है। अगर किसी बच्ची को उठाया जाता है, अगर उसका रेप होता है, तो वो बिना ड्रिंक करे या बिना नशा करे, वो नशा कोई सा भी हो, उसके बिना कोई भी अपराध नहीं हो सकता सर। काफी हद तक हो सकता है मधु जी, लेकिन मैं बात से सहमत नहीं हूँ कि नशा, जो नशा पता करते हैं लोग वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं बहुत अच्छे से। उम्र दराज लोग जो बिल्कुल, वो बच्ची दादाजी की नजर से उसको देखती है और दादा बेटी बेटी करके, और बच्ची को मालूम भी नहीं है कि ये मेरे क्यों टच कर रहा है, बैड टच गुड टच शुरू किए। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, सुनीता जी बहुत बेहतर बता सकते हैं, कई शिकायतें आती हैं। मेरे को एक ऐसा ध्यान है कि हमारे ही इसी डिबेट के अंदर एक परिवार में कजन सिस्टर कजन ब्रदर, उस 2 साल बड़ी बच्ची और मात्र 16 साल का लड़का, उसने उसके साथ में रेप किया, और वो बच्ची जब गुमसुम रहने लगी तो उसके बाद में जब चिकित्सक के पास में गए तो उसने अपनी सारी घर में नहीं बात बताई, सारी बातें उन्होंने बताई जब एकदम से चक्षु खुले घर में, जिस घर में रहते थे वो। इस तरह के भी केसेज हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात तो सही है कि कोई ना कोई ऐसे कोई एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को इस ओर धकेल रहा है, और हम लोग ये सोच के चलते हैं बच्चे साइलेंट बैठे हैं, मूवी देख रहे होंगे, मोबाइल देख रहे होंगे, हम चलिए गपशप कर लेंगे, पड़ोसन से बात कर सकते हैं, चलो बच्चे कुछ नहीं कर रहे, ये आदतें छोड़नी चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए वो कर क्या रहे, नाराज होंगे तो हो जाएंगे। बच्चा कहीं ना कहीं लगा हुआ है, अगर वो नाराज होकर के थोड़ा सा भी उसके अगर फेस इंप्रेशन जो एक्सप्रेशन अगर ऐसे आते हैं सामने कि वो थोड़ा वॉयलेंट हो रहा है, तो निश्चित मान के चले कि वो ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। हमें कोशिश चाहिए कि इस तरह की स्थिति में लेकर के जाएं हम उनको, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरूर आप सरकार तक ये बात पहुंचा है कि OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह के जो वॉयलेंस को देने वाली जो चीजें हैं, एंटरटेनमेंट में हम देखते हैं कितनी घटनाएं सुनीता जी को ध्यान होगा, रूरल के अंदर जयपुर के अंदर ही एक महिला ने अपनी सास का कत्ल किया, एक ने जिठानी का कत्ल किया, क्राइम पेट्रोल देख करके पूछा उससे कि कैसे किया, उसको देख करके। तो ये तो हमें सोचना होगा कि हर व्यक्ति एक ही सोच कर के लिए देख रहे हैं, कई लोग उसको धारणा भी बना करके बैठ जाते हैं, अच्छा रिपीट करके देखो, आजकल टीवी में और ये सारी ये ज्यादा दिखाते हैं, दिन में अकेले बैठ करके उसको और बहुत अच्छे से कि अच्छा इसने क्या सोचा था, कैसे मर्डर किया था। सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगा, कई बार हम खबरों में देखते हैं क्राइम रिपोर्ट आती है उसमें, टीवी सीरियल्स के कारण काफी चीजें आ रही हैं, तो हम एक तरफ जब हिंसक तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में भी आपको लगता है, आप एक पुलिस ऑफिसर तो हैं लेकिन आपको लगता है कि कुछ ये कंटेंट को बदलने की भी आवश्यकता है थोड़ी समाज में, जब लग रहा है कि इस तरह बढ़ता जा रहा है ये सब चीजें। सुनीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सुनीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चैनल्स पे कई कंटेंट ऐसे आते हैं जो वॉयलेंस को बढ़ावा ही देते हैं, पहले सीरियल्स हम भी देखते थे, आप भी देखते होंगे परिवार के साथ बहुत अच्छे से, और आज के जो सीरियल्स हैं आप देखिए, कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सीरियल हो जिसके अंदर कोई हिंसक घटनाएं नहीं दिखाते हो, किस तरह से आप एकदम अपने आप को हाइपर कर लेते हैं। ये भी मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं कि कंटेंट्स पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पे गौर करना चाहिए। मैं ये जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि कुछ घटनाएं पिछले दिनों ऐसी हुई हैं जिसमें सीरियल्स को देख करके ही और वो महिला एक किलर बन गई,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे कि आपने क्राइम पेट्रोल का जिक्र किया तो ये सच्चाई है। हमारे सामने कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जो वास्तव में दिल दहलाने वाले होते हैं। जब घटनाक्रम सामने आता है, हम जब खोजबीन करते हैं तो पता लगता है कि व्यक्ति किस हद तक निचले स्तर पर जा रहा है। तो अपने जो समाज को एक नई दिशा देने के लिए बहुत जरूरी है कि जो हम चैनल्स पे देख रहे हैं, क्योंकि अब मोबाइल का जमाना है, चैनल के साथ साथ मोबाइल पर भी सारी चीजें हैं, तो जो कंटेंट आ रहे हैं उसमें हम सबकी साझी जिम्मेदारी बनती है कि इसके अंदर बदलाव आना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। और चाइल्ड जो फैमिली सेफ्टी वाली कुछ चीजें हैं, वो चीजें हम अपने चैनल पर भी देख सकें और अपने इस पर भी कर सकें, ताकि बच्चों को इन चीजों से हम दूर रख सकें। ये सच्चाई है कि जो पर्यावरण, जो वातावरण हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसी का असर उनके मन मस्तिष्क पे पड़ता है और वो हिंसा की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। आज के बच्चे में कहीं भी स्थिति ऐसी नहीं आ रही, मतलब 40% बच्चे इस तरीके के हैं जो माँ बाप के सामने बोलने में झिझकते नहीं है, हाथ उठाने में झिझकते नहीं है। तो ये बहुत बदतर स्थिति है हमारे समाज की, और इसको बदलने के लिए अब जरूरत है कि माता पिता अपने बच्चे को पूरा समय दें, उसे वो नैतिकता का पाठ बचपन से पढ़ाएं, साथ ही बैठें, चैनल पर अगर इस तरह की कोई चीजें आ रही हैं तो उसके बारे में भी उसको क्लियर करें कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या सही है, क्या गलत है, ये मेरे बच्चों को हम ही तो बताएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी और पर ना देके हम सब मिलकर जिम्मेदारी को निभाएं। आपको मैं बात बताऊं कि जब हमारे पास में मामले आते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी हैं वो आके हमें बोलते हैं कि मैडम सारे ही अधिकार जो है आपने महिलाओं को दे दिए, क्या पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना? बड़ी अजीब सी स्थिति ये लगती है। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, ये जितने भी कानून बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वास्तव में ये उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं, और ये पुरुष विरोधी कानून नहीं है, ये उन पुरुषों को अंदर करने के लिए बने हैं जो महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं बने हैं, मतलब आपके खिलाफ नहीं है। तो पुरुष पहले तो ये समझ ले कि ये महिला विरोधी कानून नहीं है, महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, एक उसका अस्तित्व मिले, बराबरी का दर्जा मिले, उसके लिए कानून बने। तो इसलिए, और कई बार हमने ये देखा है कि हम घरों में ये कहते हैं अपनी बेटी को, अरे जो वो अच्छा काम कर रही है कि तू तो मेरा बेटा समान है, तू तो मेरे बेटे की तरह है, तो ये कहना ही गलत है। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है, और आप सबके सामने खुले दिल दिमाग से कहिए कि हाँ तुम मेरी बेटी हो और तुमने मेरा सर। कोई बेटे को नहीं कहता है कि तू तो मेरी रानी बेटी जैसा है। हाँ, कोई नहीं कहता। तो हम बेटी और बेटे का जो फर्क है वो घर से ही दूर करें। और जो भी चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम कहीं भी, अगर कहीं बैन भी कर रहे हैं बहुत चीजों को, लेकिन उसको परमानेंट बैन नहीं किया जा सकता। कई जगह पबजी वगैरह हमने सब चीज बैन कर दी, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उसको खेल रहे हैं। इसी प्रकार से पोर्न साइट्स वगैरह वो कहीं ना कहीं से विजिट करेंगे, तो चीजें हो सकता है कि खत्म ना हो, लेकिन जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है वो ये कि मैं मेरे बच्चे को ये तो समझाऊं कि बेटे ये गलत है और ये सही है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप नारी का सम्मान करें। बचपन से ही बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है। बेटों को समझाइए और बेटी को सिखाइए कि अपनी आत्मरक्षा तुम कैसे कर सकती हो। जब तक बेटी का, जब तक हौसला बुलंद नहीं करेंगे ना आप लोग, तब तक आप भी बैकफुट पे रहेंगे, आप भी परेशान रहेंगे। तो इसलिए बेटियों को बोलिए, बिल्कुल आजादी के मायने भी यही है कि सबको समान अधिकार है सोचने का, विचारने का, बोलने का। तो ये तभी मकसद सफल हो पाएगा हमारा। हम ये चर्चा ठीक संविधान दिवस के एक दिन पहले कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन मर्यादाओं की, तमाम हमारे जो संस्कार हैं उनका हम जिक्र करते हैं, जाना जाता। हम कहते भी हैं कि विश्व गुरु बने भारत, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ऐसे हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें साबित करने की आवश्यकता है। आज ओपन प्लेटफॉर्म है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कोई चीज किसी से छिपती नहीं है। आज यूएस में क्या चल रहा है, कौन से वायलेंस हो रहे हैं, क्या महिलाओं के प्रति रुख है, सारी चीजें देख सकते हो, तो भारत कैसे छिप सकता है। तो मुझे लगता है कि हम सब एक दुआएं करते हैं आप लोगों के लिए भी, और
समाज से भी हम अपेक्षा करेंगे कि अगली बार जब हम कभी चर्चा करें तो इस मकसद के साथ में कर सकें और एक ऐसे कंटेंट के साथ में कर सकें हैं जिसमें जो आंकड़े जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं 2019 के उनमें गिरावट आए और महिलाएं हिम्मत भी कर सकें। और मैं तो फिर गुजारिश करूंगा कि क्रांति किसी भी चीज के एक मकसद को पाने के लिए जरूरी होती है। ये क्रांति समाज की सोच को बदलने की होनी चाहिए। हम घर से ही सीखें। आज अगर इसको बदलना है तो घर से ही आपको बदलाव करने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है तभी हम मकसद में सफल हो पाएंगे, तभी इस तरह के दिवस की कोई सार्थकता रह पाएगी। अदरवाइज हम चर्चा करेंगे, कोई एनजीओ रैलियां निकालेंगे, मकसद हल हो नहीं पाएगा। सोच बदलनी होगी तो मुझे लगता है कि मकसद में कामयाब होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।